तो अभी दोस्तों हम निकल रहे हैं फाइनली, और काजल ही मम्मी के पास रहेंगी और कुछ कुछ सामान भी खरीदवाना। तो फाइनली दोस्तों आ गए हैं थावे में, और थावे में बड़े ट्रेन पकड़ने आए थे दोस्तों। हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे ना, हम लोग भी अच्छे हैं। स्वागत है आप सभी का एक और न्यू व्लॉग में। दोस्तों अभी शाम का टाइम हो रहा है, काजल बना रही है सबके लिए खाना, बहुत सारा खाना बना रही है क्योंकि फैमिली आज बढ़ चुके हैं। देख सकते हैं अभी रोटी पका रही है, इधर चाय बन रहा है, और इधर है आटा सान के रखी है। तो चलिए फटाफट से बना लो। करेला का भुजिया बना है, और इधर है भाभी, भाभी बैठी है यहाँ पे, थोड़ा सा बातें होते करते करते खाना बन रहा है। और चलिए हम जाएंगे अभी फिर से घर। घर से भैया जाने वाले हैं, तो उनको स्टेशन भी जाना है छोड़ने, ट्रेन पकड़ाने, और यहाँ पे जो भैया आए हैं मेरे साथ, उनको ले जाना है छोड़ने घर पे, क्योंकि बाबू सब अकेले हैं वहाँ पे, पढ़ने चले गए थे। तो हमारा प्लान नहीं था रुकने का वैसे, तो रुक गए, तो भैया वहाँ पे चले जाएंगे, भाभी आज यहीं रहेंगी, है ना। हो सकता है कहीं आ भी जाए बच्चे लोग, सब लोग पूछ लेंगे एक बार, वैसा अच्छा लगेगा, है ना। तो चलिए आपसे बने अभी दोस्तों, चलिए चलते हैं फटाफट से, और क्योंकि ट्रेन का लेट हो जाएगा ना तो दिक्कत हो जाएगा। चलिए चलते हैं, और भैया भी जा रहे हैं, और छोटा वाला भाई भी जाएगा मेरे साथ, क्योंकि उधर से आते समय दो लोग होंगे ना, तो अकेले थोड़ा सा डर लगेगा इसलिए। तो फाइनली दोस्तों आ गए हैं थावे में, और थावे में बड़े ट्रेन पकड़ने आए थे, तो ये रहा अपना, गाड़ी लगा दिए हैं, और बस अभी चलते हैं यहाँ से ट्रेन, बस ट्रेन पर बैठा के फिर चलेंगे। अभी काजल अभी वहीं पर है घर पे ही। कहाँ गए टिकट लेवे? टिकट मिल नहीं पाया था, तो यहाँ से लेंगे और फाइन भर के जाएंगे स्लीपर में बैठ के। सीट भी नहीं मिलेगा मेरे ख्याल से ना। बैग है इसमें दो है, एक मेरा आराम से, कितना गर्दा बैठ गया इसमें। तो ये है हमारा थावा का जंक्शन। पहले आया था तो मैं बताया था कि अभी बन रहा है, और देखिए अभी अभी भी काम वैसे चल ही रहा है, बट पहले से काफ़ी अच्छा हो गया ना, वो पहले से काफ़ी अच्छा हो गया। चल जाओ का अंदर, चलिए चल। दोस्तों अभी आ गए हम लोग यहाँ पे घर पे, और काजल अगरबत्ती जला रही है, समझ समझ गए। तो अभी हम लोग सब लोग आ गए, और भाभी के तीनों बाबू आ गए, तीनों लोग, और अभी छत पे काजल बिस्तर लगाई है, देखिए। भैया को ट्रेन पकड़ा दिए, शायद उनका ट्रेन अभी यहीं हॉर्न सुनाई दे रहा ना, इधर से ही जाएगा, ये तमकोही राज थावे से तमकोही राज कुशीनगर होते गोरखपुर से लखनऊ जाएगा। और चलिए अभी खाना पीना खाते हैं और सोएंगे। हम सोचे मानसी जगे है, तो मानसी के लिए चॉकलेट लाए थे। तो फ्रेंड गुड मॉर्निंग, और अभी सुबह का टाइम हो रहा है, और उठ के झाड़ू वाड़ू करती है, मेरा गला ना सर्दी जैसा लग रहा है, पानी यहाँ का मेरा सूट नहीं करता है, और फ्रेश वेश हो गए, सोचे बर्तन धो के फिर नहाएंगे, इतना सारा बर्तन चल रहे हैं, नहा धो लेते हैं, फिर ब्रश करके नहा लेंगे, उसके बाद खाना बनाएंगे। अभी सुबह का राइट 6 बज रहा है, 5 बजे उठे थे तो झाड़ू उड़ू कर लिया था, 6:30 तक नहा के रेडी हो जाएंगे, फिर खाना बनाएंगे, चलिए फिर बन जाएंगे। तो फ्रेंड मैं नहा धोवा के रेडी हो गई हूँ, और ये वाला ड्रेस मैंने रात में मंगाया था, पता ना मेरा चेहरा ना पूरा सूजा सूजा लग रहा है एकदम, मतलब बड़ा बड़ा, और एक इयर रिंग मेरा नहीं मिल रहा है, बेड पर ही होकर कहीं, तो मानसिक पापा हटते हैं तो ढूंढते हैं, अभी सुबह का ही टाइम हो रहा। और चलिए आप सब बने रहिए, आप सबका कमेंट आया था ना कि आईलाइनर छोटा करके लगाया करो, इसलिए हमने नहा जाके जल्दी से आईलाइनर लगा लिया है छोटा वाला, और पिंक वाला लिपस्टिक लगाया अभी। तो चलिए बने रहिए आप सब, मानसी बेटा भी उठ गए, खेल रहे हैं, सोच रहे हैं उनका भी मुँह धुला देते, चाय वाय दे देते तो अच्छा रहता। और मैं ना बिना शैम्पू साबुन, मतलब बिना साबुन के नहाई हूँ, इसलिए पूजा नहीं कर रही हूँ, और बाल भी नहीं धोई थी मैं, क्योंकि बाल में ऑयल नहीं करी थी ना, इसलिए क्योंकि क्या होता ना कि कमेंट भी आया था आप सब पे कि ज़्यादा बाल धोने से ज़्यादा बाल गिरता है, इसलिए हमने बाल नहीं धोया। और
एक देखिए एक ही आ रही है तो कितना अच्छा लग रहा है इधर का। नहीं है चलिए कोई बात नहीं, हम उसको ढूंढते अच्छे से कंबल जब फोल्ड करेंगे तब। अभी हम फटाफट खाना पर फिर जाते हैं और आपसे बने रही है, बहुत मज़ा आएगा। यहाँ पर बच्चों को खाना दे दी हूँ और बच्चे खा रहे हैं ना, मानसी भी साथ साथ खा रही है हाथ से अपने, नहीं तो नहीं खाती अपने हाथों से। आम नम 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 खाते। तो दोस्तों गुड मॉर्निंग, और दोस्तों ये है नेक्स्ट डे, ना हम भी उठ गए हैं। नेक्स्ट डे नहीं मतलब कि काजल ने गुड मॉर्निंग कर दिया था और अभी जस्ट उठे, थोड़ा लेट नाइट सो रहे थे, रात को लेट नाइट जगते तो लेट तक सोए रहेगा, सॉरी। तो अभी चाय पी रहे हैं दोस्तों और गाड़ी को कवर कर दिए थे रात में ही, देखिए पत्ता वत्ता जितना भी गिरा है सब कवर पे ही है और काफ़ी अच्छा सा सेफ है। मानसी बेटा खेल रही है सब लोग। क्या बेटा आ जाओ इधर आओ। तो अभी दोस्तों काजल कर रही है कलर अपने पैरों में, क्यों लगा रही है? तो मैंने ना लगाई, मतलब कहीं जाके पका रही है। तो मैंने अब मैंने देख रहे हैं कैसे बतिया रहे हैं, देख रहे हैं कैसे बतिया रहे हैं। इस शुद्ध भोजपुरी हिंदी बोला। देख रहे हैं कैसे बात कर रहे हैं। क्या बेटा पैसे चाहिए? सुबह से कितने पैसे ले लिया? दादी के साथ गई थी खेत में। कर रही थी वहाँ पे खेत में, खेत में वो मुझे बुला लिए थे। बुला लिए थे ठीक है, लेकिन मैं पैर में कुछ चुभ रहा था। हाँ। तो यहाँ पे लीडो खेल रही है और खाना खा लो बड़ू तुम। पहले डांट दो फिर पलाहो तरीते हैं क्या क्या खरीदाएगा। ए का खरीदाए आज, जैसे कि पत्तल गिलास चावल राशन है ये कजुआ हाथ चोरा के रख लिए मम्मी। तो आज खरीदाने क्या क्या खरीदाने वाला? कौची कौची हाँ चलेंगे आ तो आओ तनि खाली वो जब पहुँचा के अब फिर चली आओ तनी अकवास तारा के लेके चलने उन्हें क्या क्या खरीदे बताओ। चाउर के नई दाल के नई तेल के नई अब सब्जी अभी ना लिया जी कहीं से सब्जी वो बारा जब एथी हो नज़दीक आ जाए दो तीन तब ले लीजिए ना तो अभी से ले लीजिए खराब हो जाए ना। तो मतलब राशन का जितना भी सामान है ना वो खरीद लेंगे आज। और क्या चाहिए पतल गिलास वगैरह नाश्ता का तो उस दिन दो दिन पहले ऑर्डर दिया जाता है। तो पहले के ज़माना में क्या था कि घर पर ही नाश्ता बनता था है ना, और अभी क्या है कि रेडीमेड हो गया सारा, होटल में ऑर्डर दे दो आ जाता है क्योंकि ऐसे में खर्चा भी कम लगता है। घर पे बनवाओ तो खर्चा बढ़ जाता है, हलवाई का दो तेल इतना बर्बाद होता है फिर, क्योंकि रसगुल्ला छानने के बाद जो तेल बचता है वो क्या ही होता है। तो सही है ऐसे, और बाकी सारी चीज़ें हो गई है। लेकिन कार्ड छपवाने के लिए मम्मी ने ऑर्डर दे दिया था यहीं पर, तो कार्ड मिल जाएगा तो जल्द से जल्द कार्ड भी घुमा देंगे है ना, क्योंकि हमको भी नहीं रहना है कुछ दिन के लिए। आज बोले मैडम हाँ तो आओ तो छोड़ के ना तो चल के ले आओ जल कार्डवा लिया के अथे बांट दी घुमा घुमा का पूजा पहले कॉल करो। घर पूजा करो पहले, सबसे पहले कार्ड कहाँ जाता है? मामा के यानी कि जहाँ पे हम रहते हैं वहीं पे जाएगा, वहीं मामा के है मेरा, मामा लोग नहीं थे ना तो वहीं पे है, तो वहीं पे सबसे पहले जाएगा यानी कि मम्मी का नहीं हर माइके, मम्मी का माइके वही है तो वहीं जाएगा। तो चलिए सब बने रही, अभी तो मैं जा रहा हूँ थोड़ा फ्रेश व्रेश हो के खाना पीना खा के अभी निकलूँगा वहीं पे, मतलब अपने घर जहाँ पे बनवाए हैं हम वहाँ पे चलेंगे और वहाँ से फिर लेके उनको छोड़ाएंगे हॉस्पिटल तक, फिर वहाँ से आके यहाँ पे फिर चलेंगे सामान वामान खरीदवाएँगे और सामान वामान खरीदवाने के बाद से फिर उनको ले जाकर फिर वहाँ छोड़ के फिर आएँगे। तो अभी जाना नहीं, आज हो सकता है यहाँ पर बॉक्स लेके आएँगे अपना वाला, डांस करेंगे रात में ना, बजा बजा मज़ा आएगा। तो चलिए और
बने रहे आपसे। तो अभी दोस्तों खाना वाना खा लिए हम और आज काजल को फाइनली हम ससुराल में ही छोड़ के जाएंगे। काजल को ससुराल में छोड़ के मतलब मेरे घर पे मम्मी के पास छोड़ के काजल को मैं जाऊंगा अभी थोड़ी देर में। बस खाना वाना तो खा ही लिए और काजल जा रही घर का बहुत सारा काम है यहाँ पे तो सारा काम कराएंगे है ना। मसाला वसाला खरीद के आया ना शादी के लिए तो सारी चीज़ें छत पर सुखाना पड़ेगा ना और सामान भी खरीदना पड़ेगा ना सारे। तो हो सकता है काजल को और मम्मी सबको वहाँ छोड़ दूंगा मार्केट में सामान वामान खरीदेंगे और मैं छोड़ के जाऊँगा मेरे बिना रहे लोग। हंसी बेटा यहाँ पे खेल रही है बच्चों में। क्या खा रहे हो बेटा? ठीक है सब लोग शेयर करके खाओ ठीक है। तो अभी दोस्तों हम निकल रहे हैं काजल यहीं पे रहेगी है ना। अच्छे से रहना ख्याल रखना। बकरी को मार पिला रही है मार आओ ना नहला दूँ आपको। नहा लो जाओ जाओ नहा लो। नहला दूँ आपको। हाँ आ जाओ नहा लो जाओ। भूखी भूख एगो तो लल्ला ले ले मैं झिल्ली में बांध के फ्रिज पर बांध। ओके आप मम्मी के चप्पल और नारियल के पानी। ओ मैंने ना ड्रेस लाना। ठीक है बेटा बस इतना ऊपर का नहीं इधर से ना इधर से तो अभी दोस्तों हम निकल रहे हैं फाइनली और काजल यही मम्मी के पास रहेंगे और कुछ कुछ सामान भी खरीदवाना काफ़ी सारा सामान और वहाँ पे इन सबको मार्केट में छोड़ देंगे अभी गोपालगंज। और मम्मी तो सारा घूम घूम खरीदना ले मम्मी खरीद लेंगे खरीद के सामान एक ही जगह रखना हम आके फिर यहाँ लाएंगे ठीक है। तो चलिए अब इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आगे की जर्नी मैं खुद कंटिन्यू करूँगा बाकी आप सब देखिएगा। चलिए इसी के साथ इस प्यारे से ब्लॉग को एंड करते हैं मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक लिए जय हिंद दोस्तों टेक केयर बाय बाय।